दोस्तों यहाँ काफी सफाई हो गई है, ट्रैक्टर धूम में आ गया, बाग्गा करेंगे इसे, थोड़ी सफाई रह गई है। और जो उस दिन विनीत भाई वाला भैंसा भगा रहे थे और अपने जो है घुंगरू भाई और गुंगे भाई उस दिन लवारे से निहार लेकर आ रहे थे, मैं कहा ऊपर चढ़ जाएगा, तो दोस्तों यो लवारा था, देखो इसकी माँ जो थी राजस्थान से आई थी और कुछ हमारे यहाँ खूंडापन ले गया है ये। लाओ भाई चला के लाओ, कितने दिन का हो गया हो? हंगो 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 हंगो, बिल्कुल सीधे पैर हैं देखो, और झपट कितनी चलने में, भाई वाह। तो गांव में आकर घुंगरू भाई और गुंगे भाई से संपर्क कर ले, उन्ना लवारा देखो बड़ी बुग्गी में हिला, तो यो इतनी दफेरी में गर्मी नहीं मानता, बाप पूरा पका दिया, लगाइए फटक सी लगाइए, भाई वाह बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है करीब 11:30 बज रहे हैं और ये राजस्थानी लवारा अगर किसी ने ना लिया तो इस दंती सिंगे को और भारी माथे के को हम लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखो खड़ा होते ही तो खाली हो लिया। और अब जब 11:30-12 बज रही है, कड़ा किस तरह जा रहा, बुग्गी उठाओ, और अब ये पूरी दोपहरी निहार काटेंगे, खेतों में घूमेंगे। तो अपने गांव से हैं इनका पता कर सकते हैं आप, अगर कोई भाई पवरसा गांव में आना चाहे, इनका फ़ोन नंबर तो है नहीं भाई, फ़ोन रखता नहीं, के गुंगा घुंगरू सुंदर सनोप सुखबीर जो इनके पिताजी थे स्वर्गीय बेचारे, अब तो वे रहे नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं लवारे के लिए, बहुत गजब लवारा है, इनके पाले हुए कड़े कभी बेकार नहीं निकलते। दोस्तों देखें यहाँ उजाला हो गया है बढ़िया, और अब बेनिफिट ये होगा कूड़ी भी सफाई कर दी है, घास वास सारी हाथ से खींच के पीछे की तरफ हटा दी है, अब जैसे ही मौसम साफ होगा इसकी फावड़े से छिलाई कर देंगे और गोबर ऊपर की तरफ बांध देंगे, इधर गोबर ज़्यादा हो गया है, अब इसे चल के साफ करेंगे बुग्गी को। दोस्तों ये 14201 के दो गन्ने टूट गए हैं, तो इनके लिए इनकी वर्टिकल असुजी का वहाँ आँख लगा देंगे काट के, और ये देखें यहाँ से काफ़ी सफाई कर दी है, पूरा ही पेड़ टूट के नीचे लटक गया था दोस्तों, पूरी एक बुग्गी अड़ंगा उतरा है। तो ये गुल्लर की लकड़ी तो हम लेके नहीं जाते, लेकिन अब ये पग्गे थे, ये देखो ये इस तरह से चिपकन निकलती है। तो यहाँ देखें ये उजाला काफ़ी हो गया है, बस दो ही गन्ने टूटे, बाकी ये ऊपर का ठूट रह गया, उसमें चिट्टी निकली आई थी, तो इस ठूट को जो है रस्सी बांध के उधर खींच देंगे, जड़ में से काट दिया है, तो ये पेड़ कभी का पुराना ही चल रहा है यहाँ, और इसमें भी चिट्टी काफ़ी थी हाँ, तो ज़्यादा नहीं पेड़ को छेड़ा है, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखें जैसे भयानक गर्मी है वहाँ के बाद में एक यही एक ऐसा आसरा है यहाँ पेड़ का खड़ा होने का, जो आते जाते ये जैसे घास पड़ी है, देखो ये दम ले के पानी पीने चले गए उधर, अब ये बेचारी घास वाली यहाँ से अपनी घास ले जाएंगी। तो देखें ये खोड़ बिल्कुल बढ़िया छूट गए हैं, तो वो ध्यान नहीं कर पाया मैं, जो वो दो गन्ने टूटे 14201 के, वो वहाँ से टूटे हैं अंदर से, बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं टूटने दिया, बहुत बढ़िया तरह झंगाई करी। तो ये देखें हाँ कि अब जो है दोनों तरफ से आते हुए रास्ते में दूर तक चमकेगा, और वहाँ देखें आप कितना फ़र्क पड़ता है, कि जैसे कोने में पेड़ है तो इन्होंने बिल्कुल ये कूना करीब जो है एक बिस्सा ज़मीन कमज़ोर कर दी, और वहाँ तक देखें जहाँ छेल ली है वहाँ गन्ना कितनी बम्पर पैदावार दे रहा है। तो पेड़ से अगर आप छाया लेते हैं तो पेड़ के कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, चले चलते हैं, और मेरी हालत ख़राब हो रही है नज़ले की वजह। ओहो शानदार आवाज़ के साथ में स्टार्ट भी हो लिया, सब यहाँ से देखें जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से दिखेगा दूर तक का, फिर यहाँ से ट्रैक्टर निकाल देंगे आराम से, और दोस्तों कॉलोनी में से नाली बाहर आ रही है और ये फिर तालाब में चली जाएगी या नाले में चली जाएगी रोड के पास पास, और जो ये पछुआ हवा चल रही है और गर्मी पड़ रही है ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इससे गन्ने को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत बहुत अच्छी है।
मंदा हो जा, घनी तेज भाग रहा था। दोस्तों अब ये पत्ते यहाँ झड़ने लगे हैं और जो इसमें घास की भी हमें दवाई करनी है। अब इन तीन खेतों का नंबर है और इसका नंबर है, ऊपर होगी है सारे में। तो हल्की हल्की यूरिया इस बहाने से यूरिया मिल जाता है फसल को और वो कीटनाशक का भी काम करती है, बहुत ही बढ़िया। तो बुग्गी साफ करके फिर छाया में से ही काट लेंगे क्योंकि आज गर्मी काफ़ी तेज है और मेरे भी विकेट गिर लिए नज़ले जुखाम की वजह से। और अमरूद का भन्यास उड़ा दिया है बच्चों ने और घास वालों ने, टिंग टोंग कर दिए बिल्कुल। ओहो हो हो, छाया में आ जा तू, बंद हो जा सिम सिम। दोस्तों यहाँ बिजली चल रही है, यहाँ जीवन काफ़ी महसूस हो रहा है। ओहो गर्मी 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 गर्मी, बुग्गी साफ। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा तो 12 से ले आया हूँ काट के, जो एक झुंडा बच रहा था 12 पे, बिजली चली रही है, पानी बदलने की, ये क्यारा भर गया था, दूसरे में कर रहा था उधर कोने पे, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी गर्मी में, थोड़ा काम करने में हाफ गए हैं। खेतों में भभका है बहुत ज़्यादा, ये तो शुक्र मानो ऊपर ऊपर थोड़ी हवा चल रही है। ट्रैक्टर लिए चलते हैं, अब बोल बोल भी निकलना अब तो बंद हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा चारा आगे पड़ा है वहाँ, दोस्तों बैक में ही ले चलेंगे बिल्कुल भी। ये मानो पेड़ झंगाई करके और थोड़ा सा जंगल में घूम के दो चार जगह बेल बाल सी देखी हैं, गन्ना कैसा बन रहा है, अब हिम्मत नहीं हो रही ट्रैक्टर घुमाने की, बैक में ही ले चलेंगे। ओहो शानदार आवाज़, टिंग टोंग, बंद कर लिया है दोस्तों यहाँ ला के, भर लेते हैं, भर लिया है एक साइड में ही क्योंकि इधर ही कटेगा जाके। साथ के साथ ही दोस्तों आज हवा चल रही है लेकिन गर्मी मुझे लग रहा है हर साल से ज़्यादा तेज, सूरज है, चद्दर भी पेड़ पर ऊपर रखते रखते दोस्तों धीरे धीरे घर पहुंच लिए हैं। ओह हो बड़े लचके ढचके मार रहा हूँ, एक घूंट पानी पी के एक ही सेकंड का समय है, बिजली भाग जाती है 1:30 बजे, उड़ा देता हूँ इसे।